Assalamualaikum everyone. So this is Seher Khan and this is Shahzan Khan and welcome back to Borosis Reactions. और आज का reaction होने वाला है मंटो movie पर जो आई थी तकरीबन 4 या 5 साल पहले. और इतने सारे movies के trailer के बाद आप लोगों ने suggest किया कि हम इस movie का trailer भी ज़रूर देखें. और already हम देख चुके हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की. हाँ, जो मंटो आई थी शायद लास्ट टू लास्ट 2018 में उनकी आई थी और उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी और मूवी भी बहुत अच्छी गई थी वो. लेकिन ये मूवी शायद पहले आ चुकी है, ये उससे पहले की. अच्छा, क्योंकि 5 साल हो गए ना इसको आए हुए. तो देखते हैं कि इसका ट्रेलर कैसा रहता है और उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है. और हमें नहीं मालूम कि इसमें कौन कौन एक्टर होने वाले हैं, तो देखते हैं कि क्या दिखाते हैं. सो लेट्स बिगिन. स्टूडियोज की तरफ से जियो फिल्म्स. हम फिल्म्स भी है, जियो फिल्म्स भी है. लोग कहते हैं वो उर्दू का बड़ा अदीब है, मगर उर्दू उसे अब भी नहीं आती. माहिरा खान. हाँ, माहिरा खान. मंटो जिंदाबाद. बड़ा कम वक्त है ये मंटो, किसी चीज का लिहाज नहीं रखता, सब साफ 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 कह देता है. सुनाए बड़ी गंदी किताबें लिखता है. तो मौजूद तो देखो, फोड़े पे कहानी लिखी है. अब तो सोने के लिए लेटती हूँ तो लगता है जैसे हमारे दरमियान लेटा हुआ. जब कोई कहानी मेरे कलम से निकल जाती है तो उसका छपना लाजिम हो जाता है. मंटो के बच्चे को नंगा कर दे इसके अफसानों की तरह, इस कदर बदनाम करें कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे. साहब, किसी से तो बना के रखे. मैं आग बेचता हूँ सफिया, आग. मैं उसकी चिंगारियाँ दूसरों की राख में नहीं झोंक सकता. मेरे पास अफसाना निगारी का लाइसेंस है. मंटो, मैं आ गई हूँ, अब तुम अकेले नहीं हो. जब मैं अपना अक्स देखता हूँ तो मुझे अपना चेहरा क्यों नजर नहीं आता. ये तो तुम्हारे किरदार है मंटो. किरदार तो मैं लिख चुका हूँ. नादिया खान से निकल चुकी है, जाते क्यों नहीं, मेरा पीछा क्यों क्यों करते हैं मुझे. अरे सारी की चल रही है, स्टोरीज आई हैं तुम्हारी तकदीर में लिखी जा चुकी है. क्या बनाया है ट्रेलर. मंटो से कहूं तुम पे भी कुछ लिख दे, मशहूर हो जाओगे. हो अपने जमाने से जिसे कहते हैं 10-20 साल आगे. कितना, मुझे तो बीच बीच में ऐसा लग रहा था हॉन्टेड चल रहा है कुछ, क्योंकि उनका म्यूजिक कैसा था ना, वो मतलब सारी चीजें इसी तरीके से पोर्ट्रे करते थे लोगों को, इसीलिए बुरा भी लगता था. और जो ट्रेलर बनाया है इसमें जो डार्क थीम होती है वैसे ही दिखाया, क्योंकि उनकी भी जो थीम होती थी वो हमेशा डार्क रहती थी सोसाइटी को लेकर के. वो इतनी रियलिटी दिखाते थे कि लोग उनके अगेंस्ट इसलिए थे, उनको जो है कुछ लोग बोलते थे कि पागल, ये पागल भी हैं और ऐसा बोला करते थे कि इनकी कहानियां मतलब ऐसी होती हैं कि कोई पढ़ेगा तो शायद वो पागल ही हो जाएगा. इतनी गहराई होती थी. एक दो अफसाने जिनके नाम हम पता है, जैसे एक इनका एक बूथ था, हाँ, और एक ठंडा गोश्त था, और उसके अलावा काफी सारे हैं, बादशाहत का खात्मा और बारिश और जने कितनी सारी हैं, जिसमें ज़्यादातर लड़कियों का जिक्र होता था. और जो सोसाइटी की जो चीज़ें होती हैं, मर्डर वगैरह, जो चीज़ मतलब गहराई वाली बातें होती हैं उसका जिक्र होता था. और इस तरीके से नहीं, बहुत ही घुमा फिरा के एक तरीके से एक बात को इतने अच्छे तरीके से बयान करते थे ये. अगर आप इनका शोज़ वगैरह सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आपको खैर मिल जाएगा, वो भी आप सुन सकते हैं. लेकिन इनके अगर आप अफसाने पढ़ेंगे तो वो अफसाने तो पढ़ने के बाद आप ऐसे इनके फ़ैन हो जाएंगे कि आप पढ़ते ही रहेंगे. वो तो है. और जिस तरह से इसमें एक्टिंग की है मुझे बहुत ही गजब की लगी है. मंटो का हमने नवाजुद्दीन को देखा है, उनके देखने के बाद मुझे इसका ट्रेलर ज़्यादा अच्छा लगा है. जो एक पोएट कहा जाए या फिर एक राइटर कहा जाए, जब वो लिखने बैठते हैं, जब उनका कलम चलता है कागज़ के ऊपर, तो उनकी शराब सिगरेट और उनके जो ख्यालात वो उसी में ही सब मिक्स हो जाते हैं. उनकी दुनिया वो एक कमरा बन जाता है, वो एक कागज का टुकड़ा जो होता है उनकी दुनिया बन जाता है. बिल्कुल सारा कुछ उन्होंने जितना भी कुछ सीखा समझा सोसाइटी को देख करके सब उतार देते हैं. जो भी उनके अंदर बात होती है वो ये कहते हैं, राइटर एक हमेशा ही बात बोलता है कि जो भी तुम्हारे अंदर है वो तुम कागज पे उतार दो.
और क्या पता वही सोसाइटी को चेंज कर दे। और लेकिन सोसाइटी उस चीज को एक्सेप्ट भी तो करे ना, उस रियलिटी को एक्सेप्ट भी तो नहीं करती है, और वही इस, इसके थ्रू दिखाया है। इनके साथ हुआ भी कि सोसाइटी ने इनकी उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करा, इनकी बीवी के साथ, बच्चों के साथ, इनकी बीवी ने भी शायद इन्हें बीच में छोड़ दिया था इसी वजह से, जिसमें ये और ज्यादा डिप्रेस हो गए थे। बहुत सारी रियलिटी को लेकर आते हैं अपने अफसाने के थ्रू, और अगर वो वाली मूवी देखने के बाद ये देखना बहुत मज़ा आएगा, इसमें बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ट्रेलर इसका बेस्ट लगा है। लेकिन इसके ट्रेलर के बाद मुझे लग रहा है मूवी भी बहुत ज़बरदस्त रही होगी, और 5 साल पहले के हिसाब से ये कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल का ट्रेलर बनाया गया था। बहुत अच्छा बनाया गया है और सारी चीज़ें इसमें इतनी अच्छे से दिखाई गई हैं, सारे एक्टर्स इतनी गजब एक्टिंग कर रहे हैं, और जो मंटो के कैरेक्टर के लिए जिनको लिया गया है उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। और उस ज़माने को ख़ास करके जो इन्होंने दिखाया, जिस ज़माने में मंटो हुआ करते थे, जब वो जवान थे और जब वो सारी चीज़ें लिखा करते थे अपने अफसाने वगैरह, तो उस दौर को बिल्कुल बखूबी वैसे दिखाना, हाँ वो भी बहुत बड़ी बात होती है, और उसको इन्होंने बिल्कुल वैसे ही दिखाया है। बिल्कुल, और हम भी उनके बहुत सारी स्टोरीज पढ़ चुके हैं, कितने फेमस हैं वो इंडिया में भी, सब लोग जानते हैं उनके बारे में, और उनकी स्टोरी पढ़ पढ़ के ही हम लोग बड़े हुए हैं। सो गाइस, ये था आज का हमारा रिएक्शन। फाइनली हमने आज मंटो का ट्रेलर देखा और मुझे बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लगा, उससे अच्छा लगा जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, अब स्टोरी देखने के बाद पता चलेगा कि मूवी में क्या दिखाया गया है, और ट्रेलर के टक्कर का है कि मूवी की स्टोरी होगी कि नहीं, वो बाद में पता चलेगा जब हम देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें इतनी अच्छी वीडियो सजेस्ट की, और मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।